हेलो गाइस, आज मैं जा रही हूँ आटे की बिस्किट बनाने। आटे की बिस्किट बहुत टेस्टी। ये हमारा मैदा है, इसमें आटा है, इसमें चीनी है, इसमें हमारी सूजी है, इसमें हमारी सूजी है, इसमें इलायची पाउडर है, इसमें हमारा घी है। अब चलते हैं, हम इसको मिक्स करते हैं। पहले इसमें डालेंगे हम सूजी 1 कटोरी, फिर उसमें डालेंगे हम, इसमें मिक्स कर देते हैं हम मैदा, इसमें मिक्स कर देते हैं आटा, इसको चीनी को भी डाल देते हैं। इसमें इलायची पाउडर और सबको मिक्स कर लेते हैं। इसमें घी डाल देते हैं, सबको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद में फिर थोड़ा पानी भी डाल लेते हैं इसमें। अब हम इसमें डाल लेते हैं थोड़ा पानी, ज्यादा नहीं, थोड़ा ही। इसको और तैयार कर लेते हैं एक बार। आटा हमारा रेडी हो चुका है, अब इसको मैं 2 मिनट रख देती हूँ। आटा रेडी हो गया है बिस्किट। हमने इसको थोड़ा 5 मिनट के लिए ढक दिया आटा। अब इसमें 5 मिनट हो गए, इसको मैं आटा को निकाल लेती हूँ। बिस्किट बनाना स्टार्ट कर दी, ज़्यादा छोटे नहीं बनाना और ज़्यादा बड़े भी नहीं बनाना। छोटी थोड़ा अच्छा सीखती है और बड़ी थोड़ी तो ऐसे सीखती है, कम कच्चेपन पे भी देखती हूँ वाली। इसमें ऐसे डिजाइन भी कर सकते हो, सिंपल भी बना सकते हो, डिजाइन में थोड़ा अच्छा लगता है। देखो डिजाइन, ऐसे डिजाइन भी कर सकते हैं। अब सारे हम बिस्किट को बना के तैयार कर लेते हैं एक बार। अब मैंने सारे बिस्किट बना के रेडी कर दिए। अब इसको गैस को चालू कर देते हैं। अब चलते हैं, हम बनाते हैं। गैस में हम चला दिए, उसमें हम ऑयल डाल देते हैं।
तेल को हम थोड़ा अच्छे से गर्म होने देंगे इसको। अच्छे से गर्म होने के बाद में डालेंगे इसमें हम बिस्किट। अब हम इसमें डाल देते हैं, अच्छे से गर्म हो गया। देखो हम इसको अब निकाल लेते हैं कि हमारा अच्छे से सिक गए हैं बिस्कुट। इसको हम निकाल लेते हैं। देखो मेरी बिस्किट रेडी हो गई है बनकर। ये आटे की बिस्किट है, बहुत टेस्टी। देखो बनकर हो गई तैयार रेडी। आटे